फिर एक बार स्कूल में लगा ताला। बेमितराज जिले के ग्राम मजगाव में शासकीय प्राथमिक शाला में पालक सहित ग्रामवासियों ने ताला चढ़ दिया। आपको बता दें कि शासकीय प्राथमिक स्कूल में पिछले 2 वर्ष पहले इसी स्कूल में पालकों ने शिक्षक की मांग को लेकर स्कूल में ताला जड़ा था और उसके बाद यहां एक शिक्षक व्यवस्था किया गया था। 2 शिक्षकों ने इस स्कूल को संभाले रखा और पढ़ाई करा रहा था। इसी बीच 6 से 7 दिन पूर्व प्रभारी प्रधान पाठक भेजा गया और साथ ही इस स्कूल के एक शिक्षक को व्यवस्था में सूखाताल स्कूल में आदेश जारी कर दिया। जिस बात की जानकारी पालकों को हुई और पालक सहित ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर को शिक्षक की कमी और वापसी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। मचकाव के पालक बार बार स्कूल से शिक्षक की कमी से बच्चों के भविष्य अंधकार दिखाई देने लगा, जिससे सभी पालकों ने एकजुट होकर स्कूल में ताला जड़ दिया। वहीं शिक्षक को दूसरे स्कूल में व्यवस्था किए जाने पर पालकगण आक्रोश होकर ताला जड़ने के बाद स्कूल के सामने बैठ गए। अगर 3 दिनों में शिक्षक को वापस नहीं किया गया तब सभी पालक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, साथ ही स्कूल में फिर ताला लगा देंगे। का नाम है रोहनी। कहा हो गए, कहा बर ए मेरे कहा बर आए सब जन, अपन अपन लेकर भविष्य बनाए बर आए। ये गुरुजी हम भेजने नहीं चाहतन, हम ही है राखबो। और का कहने कल तुमन बोला कैसे ये गुरुजी काबर ले गत हवे, काबर ले गन देबो, हम लेगने नहीं गन, कहूँ नहीं जाए ही है रही। चल दीद, काहो नहीं जान दे मैं, कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई नहीं हुआ है। अभी ले जाबे तो हमर 60-70-80 जन लेके का हाल होही, ले बता। हम तारे नहीं खोलन, दे चाबी मैं धर हूँ, लेगी कलेक्टर मुला रिपोर्ट के खातु करी का खाए ले देह चे भूख तोरे मारी। मोर लेके मान 6 जन पढ़त है, ये दादू नहीं जाए, यहाँ ले मंजगांव नहीं जाए, सीधा बात। और लेगी तो हमारा पूरा लेडीज ला लेगा और जतका बच्चा है तला वहाँ अट्ठा ठेरा है और हम लोग खाए दे ही वहाँ सरकार है। सुशीला निशा, का हो गए, का बर ताला लगा दे स्कूल में? हमार लड़का मन के पढ़ाई नहीं होही, ए मास्टर रहना चाहिए है। है, है, है। और हम गरीब आदमी बनी करके पढ़ावा था, 9 जन मोरो नाती मन पढ़त, कतेक जन हम पैसा में पढ़ा सकबो। और गरीब आदमी है पढ़ाना चाहता ने डॉक्टर, ए मास्टर रहना चाहिए। और एक पहली भी ऐसने हो रही से 1.5 साल पहले 2 साल में नहीं, अब अच्छा पढ़ावा थे हमारे बच्चा मन भी बोला थे, पूछथन हमन ये अच्छा पढ़ाते कि नहीं, अच्छा पढ़ाई करवावा दिन भर ऐसे कैसे पढ़ाते। नहीं नहीं लेगा देवन, पढ़ाई नहीं होवा, ले जही तारा लगा देबो, अपन बच्चा भविष्य भले आओ बिगाड़ा लेगी तेना। भीड़ लगा जी, तालाबंदी लगा हुआ है क्योंकि पिछले दो साल पहले अभी यही स्थिति थी तालाबंदी की, क्योंकि शिक्षक की कमी थी। अब वही स्थिति फिर से पैदा हो गई है, टीचर की कमी हो रही है। क्या चाहते हैं टीचर, जैसे कमी हो गई है, बच्चे भविष्य अंधकार है जी, बच्चों का भविष्य का सवाल है, क्योंकि यहाँ शिक्षक की कमी हमेशा ही रही है। और हमें जो है जन भागीदारी समिति से जन भागीदारी टीचर को बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ टीचर की कमी है। इसलिए अगर यहाँ टीचर नहीं रहा तो क्या करेंगे बच्चे को लेकर आप लोग? अगर टीचर नहीं रहेंगे तो यहाँ हमेशा के लिए तालाबंदी लगा रहेगा, और अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए हम दूसरे स्कूल में फिर पढ़ाई उनका शुरू करेंगे। यहाँ पे पालक आए हुए हैं और स्कूल में ताला लगा दिया, क्या कहेंगे इसके? जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बेमेतरा के आदेशानुसार एक शिक्षक का अध्यापन व्यवस्था जो है संबंधित पास के शाला में किया गया है, जिसके विरोध में आज ग्रामीण जो है वो हड़ताल कर रहे हैं। तो क्या यहाँ जो बच्चे हैं उसकी संख्या में अनुरूप में शिक्षक हैं यहाँ? हाँ, सेटअप जो है शासन द्वारा निर्धारित जो है ना, उसमें 70 बच्चे जो है दर्ज है यहाँ, और वर्तमान में यहाँ 1 प्रधान पाठक और 2 शिक्षक कार्यरत है। तो क्या यहाँ शिक्षक और चाहिए कि जाने के बाद कमी है? नहीं, बच्चे जितने दर्ज है उस हिसाब से शिक्षक यहाँ पर्याप्त है जी। अब गांव वाले मांग कर रहे हैं कि एक शिक्षक का अध्यापन व्यवस्था दूसरे स्कूल में किया गया है उसको रद्द किया जाए, नहीं तो अगर उस स्थिति में रद्द नहीं करेंगे तब तक तालाबंदी की स्थिति। तो जैसे कि उस शिक्षक को यहाँ से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण कर दिया गया है, तो क्या यहाँ पर्याप्त टीचर है अभी? नहीं नहीं, एक शिक्षक के जाने के बाद केवल 2 का स्टाफ बच रहा है। तो 70 बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे 2? अब दिक्कत होगा सर, सभी स्कूलों में है, शिक्षक की संख्या हमारे जिले में कम है।